न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने मतदाताओं से मताधिकार की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के महायज्ञ में सभी मतदाता अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। आपको बता दें कि नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में पहले चरण का मतदान हनुमना मऊगंज नईगढ़ी ब्लॉक में 25 जून को होना है, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है और मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना भय के मतदान करने की अपील की है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों अधिकारियों ने क्या कहा। नईगढ़ी मऊगंज और हनुमना का चुनाव जो है वो कल 7 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद मतदान केंद्रों पर ही काउंटिंग कराई जाएगी। इन तीनों ब्लॉक के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हमने इस तरह की व्यवस्था बना के रखी है कि किसी को भी अपने मताधिकार में कोई परेशानी नहीं आएगी। मतदान केंद्रों पर और मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा के और अन्य इंतजाम किए हुए हैं। सभी से अपील है कि आप बड़ी संख्या में मतदान में भाग लें और प्रजातंत्र के इस महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बने। जनता को संदेश ये देना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने पूरी अच्छी तैयारियां की हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भय में ना आए। किसी प्रकार का कोई भय आपको करता है, भयाक्रांत करता है, तत्काल सूचना दें। किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। मेरा अनुरोध है कि कल से होने वाले हमारे पंचायत चुनाव में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने सबसे चहेते और सबसे निष्पक्ष, निर्भीक और स्वच्छ व्यक्ति को ही आप अपना मत दें। सभी चुनाव करें और इस लोकतंत्र के समारोह का।